हैदराबाद में तेलंगाना में लगातार मतदान चल रहा है, कुछ वोटर्स हैं हमारे से बात करने के लिए। सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे किस वजह से, किन पॉलिसीज पर आपने वोट कास्ट किया? ये नेशनल में जैसा कि सेंट्रल में जो पॉलिसीज से चल रहा है वो बहुत कुछ एज अ मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए बहुत कुछ अच्छा कर रहा है। जो भी स्कीम से नेशनल वाइज हो, आयुष्मान भारत हो, और किसानों को जो भी है 3 एकड़ 2 एकड़ का पैसा भी जो भी दे रहा है, और बेनिफिट से, और एडुकेशनल पॉलिसीज जो भी है, और नेशनल वाइज जो भी है अपना मल्टीनेशनल के जो भी इंडस्ट्रीज लेवल पे उसके ऊपर बहुत काम कर रहा है मोदी। नेशनल पॉलिसीज पे माता जी आप किसको आशीर्वाद देंगे? आपने क्या सोच के वोट दिया? अगर आप थोड़ा ट्रांसलेट कर सकते हैं। के सुनो मोदी 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 के सुनो सर, मोदी की नीतियों से आपको क्या लगता है कि किस तरह की स्थिति है हैदराबाद, सिकंदराबाद, कितना बदला है, कितना डेवलपमेंट हुआ है, क्या सोच के आपने वोट किया? सिकंदराबाद में तो डेवलपमेंट हुआ, मैं पैदा है जब से कैसे रोड़ा है हैदराबाद में वही रोड़ा है, वही हालत है। ये हालत मिडिल क्लास फैमिलियों के ऊपर इफेक्ट हो रहा है, किधर के लोग उधर ही हो रहे। नो एजुकेशन डेवलपमेंट, नो गवर्नमेंट कॉलेजेस, नो न्यू स्कूल्स, बिल्कुल डेवलपमेंट हैदराबाद में कम हो रहा है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, अगर आप थोड़ा सा हिंदी में बता सके, जब आपने वोट कास्ट किया तो क्या इश्यूज थे, किन मुद्दों पर आपने वोट कास्ट किया, वोट क्या सोच के डाला? देश के हित के लिए सोच के डाला, बस और कुछ भी नहीं। देश का हित हो, सब लोग अच्छा वो करे, बस और कुछ नहीं। तो राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर मतदान किया आपने? जी। बिटिया का वोट बन गया है क्या? बन गया है, लेकिन अभी उसका कार्ड नहीं है। बिटिया, अगर फर्स्ट टाइम वोटर के तौर पे बात करें, आपके दिमाग में क्या है, किस तरीके से आप देखते हैं इस चुनाव? फिर से पूछिए आप। क्या सोच, क्या देखते हैं इस चुनाव को, कितना डेवलपमेंट है, क्या इश्यूज हैं, नेशनल इश्यूज है, रीजनल इश्यूज है? मेरे को तो वैसा कुछ उतना नहीं आइडिया, लेकिन यह है कि मोदी है तो सब है। आई एम गोइंग टू गिव फॉर मोदी। एजुकेशन पे काम हुआ है, एम्प्लॉयमेंट का, क्योंकि राहुल गांधी लगातार बात करते हैं। आई एम नॉट सो इन टू द पॉलिटिक्स, सो मेरे को उतना आइडिया नहीं है, लेकिन ये पता है कि मोदी जब से आए, जब से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट। 18 साल के हो गए? हाँ, अभी फर्स्ट टाइम वोटर्स से लेकर के लगातार यहाँ पर इसी तरीके से काम कर रहा है। कुछ मुस्लिम्स के पास भी चलते हैं, उनसे बात करेंगे। भाई, वोट कास्ट कर दिया आपने? हाँ। तो अगर वोट कास्ट की, वोटिंग की बात करें, तो हैदराबाद के लिए क्या मुद्दे थे, किस आधार पर आपने वोट किया, क्या इश्यूज थे? इश्यूज तो कुछ भी नहीं थे, सब ठीक से। और वोटिंग के आधार तो एकदम ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए कि ऐसा है और कुछ है। हिंदू मुस्लिम के बीच में सद्भावना हो, एकता हो, राष्ट्रीय मुद्दे, क्षेत्रीय मुद्दे, ओबीसी, माधवी, कुछ भी नहीं, वैसा कुछ भी नहीं। इट्स ओनली ट्रांसपेरेंट ऐसा। या छोटे बच्चे के साथ देखिए वोट करने आए, और हम यही लगातार अपील भी करते हैं वोटर्स से, चाहे वो हैदराबाद के हो, सिकंदराबाद के हो, जो 17 सीटें हैं उनके हो, कि अपना वोट कास्ट कीजिए, उस आधार पे कीजिए जिस जो प्रत्याशी आप चुन के भेजना चाहते हैं लोकतंत्र के मंदिर में, लोकसभा में, भारतीय संसद में। कैमरा सहयोगी सूर्या के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, हैदराबाद।